नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। आज बनाएंगे कान्हा जी के भोग के लिए मेवा के लड्डू। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें एक एक करके सारी मेवा को तलेंगे। तो सबसे पहले काजू को तलेंगे, अब निकालेंगे, ज्यादा देर नहीं रखेंगे। अब डालेंगे कटे हुए बादाम, इनको भी हल्का सा ही सेकना है, बादाम को भी निकाल लेंगे। अब डालेंगे मगर खरबूजे के बीज, अब ये चिटकने लगे हैं तो बीज को भी निकाल लेंगे। किशमिश, किशमिश को हल्का सा ही भूनना है, क्योंकि ज्यादा देर भूनेंगे तो किशमिश जल जाएंगे, किशमिश को भी निकाल लेंगे। अब डालेंगे एक नारियल का पेस्ट, ये पेस्ट घर में ही बनाया है, क्योंकि बाहर वाला नारियल व्रत में नहीं खा सकते। इसको 2 मिनट भूनेंगे, नारियल को धीमे गैस पर ही भूने। अब ये नारियल भुन चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 200 ग्राम मावा, मावा होममेड है, तो ये फ्रिज में रख दिया था इसलिए जम गया है। इसको मेल्ट करेंगे, मावा मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 10 खजूर छोटा छोटा करके, सबको मिक्स करेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रूट तल के रखे थे घी में, उनको सबको डाल देंगे, सबको मिक्स करेंगे। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं और सभी को घर में बहुत पसंद आते हैं। गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच इलायची पाउडर, 125 ग्राम बूरा, अगर आपके पास बूरा नहीं है तो चीनी पीस करके डाल सकते हैं। अब सबको मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स हो गया है। अभी इसके बनाएंगे गोल गोल लड्डू, साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लड्डुओं में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अब देखो कि देखने में ये लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। कान्हा जी के भोग के लिए मेवा के लड्डू बनकर के तैयार हैं। आप जन्माष्टमी पर एक बार जरूर बनाएं और बाल गोपाल को भोग लगाएं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।